गुड मॉर्निंग, सौरभ कुमार इन फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल थ्योरम से उठाए गए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जेई मेंस, वीआईटी ट्रिपल ई, बिट सैट और बाकी एग्जाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव हैं, खास करके स्पेशली फॉर जेई मेंस और बाकी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालने का कोएफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर डी स्क्वायर इन द एक्सपेंशन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी होल टू द पावर 8। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट निकालनी है इस टर्म की और एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाला। तो अगर हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो जरा हम लोग देखें सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और साथ में n क्या हो गया हमारा 8, मान के चलते हैं n 8 है। अब यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला दोनों बराबर ही है, तो मैं क्या ये मैं जब मैं इसकी एक जनरल टर्म लिखूंगा t इक्वल्स टू 8 सी आर सी एन माइन यानी कि n यानी कि 8 कह लो आप 8 माइनस आर और d यहाँ पे अंडर रूट सी और अंडर रूट डी और इसकी पावर r। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब दोनों की पावर 2 है तो 8 माइनस आर जो है वो इक्वल टू आर होना चाहिए? बिल्कुल। तो 8 जो हो जाएगा वो इक्वल टू 2 आर हो गया, यानी कि आर की वैल्यू हो गई 4। यानी जो हमारी टर्म बनेगी टी इक्वल्स टू 8 सी 4 अंडर रूट ऑफ सी और पावर में 8 माइनस 4 और साथ में अंडर रूट ऑफ डी यहाँ पे पावर में 4। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे था 8c4, ये था ऐसे ही रहने दो, और ये हो गया सी स्क्वेयर और ये हो गया डी स्क्वेयर। तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है इसका 8c4। हमें अब कुछ नहीं करना, बस 8c4 को लिख लेते हैं इधर। इससे हम लोग लिखते हैं कोएफ, कोएफ यानी कि कोएफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म जो कि आप लोग जानते हो कोएफ इक्वल्स टू 8c4। अब 8c4 को सॉल्व करते हैं यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड इन द सेंस 8 माइनस 4 और इस होल का फैक्टोरियल, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। जब इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, इसे मैं 4 फैक्टोरियल तक ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 4 फैक्टोरियल है तो वो कट जाएंगे आराम से, और नीचे मैं एक 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 और एक 4 फैक्टोरियल को वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये वाला तो कट गया। अब 4 और 2 और यहाँ पे एक 8 कट गया और 3 से ये 6 कट गया दो बारी, तो ये बचा क्या 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 70। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x माइनस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 और होल की पावर जो है 8। यानी कि अगर मैं टर्म को लिखूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, मतलब सेम पहले टर्म तो उतार लेते हैं हम लोग, x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 टू द पावर 8। अब मैं इसमें कोशिश करता हूं कुछ कॉमन टर्म्स ले लूं, जैसे यहां पे 1 माइनस x को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, और साथ में मैं यहां पे ना माइनस एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लेता हूं, तो इससे क्या मिलेगा मुझे अंदर 1 माइनस एक्स और ये टोटल की पावर है 8। अगर इसे और सिंपल कर दूं तो यहां से मैं ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहां पे 1 आ जाएगा, इस वाले टर्म के आगे कुछ नहीं तो यहां पे आ गया 1। अब जब मैं इसे लिखूंगा फर्दर तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स
वन माइनस एक्स क्यूब दोनों के बीच में मल्टीप्लाइड और होल की पावर हो जाएगी 8, ये पूरे टर्म की पावर 8, यानी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8, और यहां पे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या क्या होगा, 8c0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 8c1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स आ गया, प्लस 8c2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर, ऐसे कंटिन्यूड ये जाएगा कहां तक, प्लस 8c8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 8। और जो दूसरी टर्म है जो मल्टीप्लाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, दूसरी टर्म जो लिखते हैं 1 माइनस एक्स, यानी कि 8c0 तो 8c0 रहा माइनस 8c1 साथ में एक्स क्यूब प्लस 8c2 साथ में एक्स टू द पावर 6। अब यहां पे मैं इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे एक्स 7 तक ही चाहिए, और इससे आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्स की पावर 9 आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ा टर्म है और मुझे उसकी नेसेसिटी भी नहीं है, इसे मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। तो यहां से मैं अगर देखूं तो, और यहां पे एक अगर आगे, अब पहले यहां से देखता हूं मैं, माइनस 8c1 एक कोएफिशिएंट हो जाएगा, यहां पे एक्स है, अगर मैं इसे एक्स 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसे और इसे, तो मुझे मिलेगा एक्स की पावर 7। तो एक कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस 8c1 और साथ में मल्टीप्लाइड में 8c2। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक्स स्क्वेयर है और इधर भी इवन ही रहेंगे, इधर 9 आएगा जो कि बड़ा है तो मुझे वो मतलब नहीं है उससे। अब फिर एक्स क्यूब आएगा इधर, तो लेकिन 4 आएगा नहीं इस वाले टर्म में, इस वाले एक्सप्रेशन में आगे आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स 4 और एक्स 5, ऐसे कंटिन्यू ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स 4 एक्स 3 के साथ भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक्स 4 के साथ जरा देखें, एक्स टू दी पावर 4 के साथ ही एक्स टू दी पावर 3, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा एक्स टू दी पावर 7। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक और क्वेश्चन क्या हो गया, तो माइनस 8c1 मल्टीप्लाइड बाय 8c4, एक कोएफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे अगर इस वाले में, तो एक आएगा हमारे पास x7 जो कि आएगा हमारे पास, ये हमें मिलेगा माइनस 8c7 में। तो अगर उसे हम लोग इस वाले टर्म में 8c0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्योंकि यहां पे 1 है तो वो x7 का x7 ही रहेगा, तो वो आ गया 8c0। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन मिली है हमें, इसे मैं सेंटर पे ले आता हूं, ये जो इक्वेशन, ये जो टर्म मिली है हमें, बस इसे सिंपलीफाई करना है। तो इसे सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, 8c1 तो 8 ही रहेगा माइनस 8, और 8c2 यानी कि इसका हो जाएगा इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 2। ये शॉर्टकट से आप इसे याद रखो तो आपकी ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेंगी। साथ में माइनस 8c1 तो 8 ही हो गया, 8c4 इसे मैंने अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था 8c4 की वैल्यू, यानी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमने इसमें 8c4 की वैल्यू निकाली थी, 8c4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 70। तो मैं क्या करता हूँ, उस 70 को वैसे का वैसे ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि निकाला तो है ही हमने इसमें ऑलरेडी, तो मुझे वहां पे पुट करने में कोई दिक्कत भी नहीं चाहिए। तो साथ में मल्टीप्लाइड बाय 70 लिख देता हूँ मैं। अब ये देखो माइनस 8c7, अब 8c7 और 8c1 में तो कोई फर्क होता नहीं, सब बच्चा बच्चा भी जानता है, तो इसे भी मैं वापस 8 लिख देता हूँ, और 8c0 तो हर कोई जानता है 1 होता है। तो अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये तो काट दूंगा मैं इसे यहाँ पे 4, तो जाएगा ये मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा माइनस 8 इंटू 4 इंटू 7 माइनस 560 माइनस 8, तो क्या हो गया माइनस 28 इंटू 8 माइनस 568। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6 करी ये
-224 -5 68, ये हो जाएगा -792। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि कोएफिशिएंट जो है x7 का कोएफिशिएंट जो होगा ये होगा -792। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट्स है फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जेई एडवांस तो नहीं कहूँगा लेकिन मेंस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बाकी जैसे बिटसेट का पेपर है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही इस टाइप में। तो इसका आंसर मैं आप ले देता हूँ -792। इसमें हमें बस एक चीज़ याद रखना है, दो चीज़ें बेसिकली, एक तो इसे स्प्लिट करना आना चाहिए हमें और इसमें हमें कोएफिशिएंट की कोएफिशिएंट के साथ जो पावर है ना, जैसे यहाँ पे ये वाली पावर, इन सबको अगर हम लोग कंपेयर करके सम अप करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके दोस्त हैं जो कि आगे इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी हमारा चैनल रिकमेंड करें और उन्हें बोले कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी कर दें अगर आपने नहीं करा है, इससे क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए हम लोग आते रहते हैं। और अभी के लिए शुक्रिया।